विधानसभा क्षेत्र बावनवास में बजरी माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हुए फरार। बावनवास 16 फरवरी बुधवार को बजरी माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर फरार हो गए। खिरनी चौकी इंचार्ज एएसआई सुरेंद्र चंद्र और उनकी टीम हमले में बाल बाल बची। विधानसभा क्षेत्र बावनवास के थाने के एएसआई सुरेंद्र चंद्र ने बताया, खिरनी चौकी क्षेत्र देहलो गांव में अवैध बजरी परिवहन किया जा रहा था। लीज ठेका कर्मियों ने त्रिलोक चंद के साथ क्षेत्र में बजरी वाहनों को देखने रोकने की कोशिश की। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने ठेका कर्मियों पर हमला कर उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और पत्थरबाजी कर भगा दिया। ठेका कर्मी की सूचना पर एएसआई सुरेशचंद में जाब्ते मौके पर पहुंचे, जहां 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉली चालक बजरी परिवहन कर रहे थे। पुलिस टीम के आते ही बजरी चालक इधर उधर भागने लगे। पुलिस टीम ने बेमुश्किल एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त भी कर लिया गया है। उनके साथ मारपीट करने के लिए आमादा हो गए और उनके पीछे भागे। तुरंत ही मैं कांस्टेबल जगदीश को लेकर के मौके पे पहुंचा। मौके पे जाके देखा तो गांव जहलोत में 5-4 ट्रैक्टर अवैध खनन बजरी से भरे हुए मिले, जो पुलिस को बावर्दी देकर भागने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे व मेरे कांस्टेबल ऊपर चढ़ाने के लिए आमादा हो गए।